अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज़ योर कंट्रोल सिस्टम, ठीक। और मेरा नाम चौधरी अरशद महमूद, ठीक है। इसके अलावा मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि मैंने सीकॉज यूनिवर्सिटी पिशावर से एमएस बैचलर्स किया है, गोल्ड मेडल। शेफील्ड यूनिवर्सिटी से एमएस किया हुआ है कंट्रोल सिस्टम में यूके, और मास्टर्स किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कोई ऐसा खास इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा, ठीक है। फ्यू थिंग्स अबाउट द क्लास, जो कुछ, एक तो ये बात है कि आपके लेक्चर्स ये रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर यू विल से, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, एज इट इज। से एक दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे क्लास में, ठीक है। एक तो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, शोर नहीं होने चाहिए ज़्यादा, ठीक है। दूसरी बात, इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन एनी टाइम, ठीक है। डोंट वेट फॉर द टाइम के मैं थोड़ी देर बाद पूछ लेता हूँ, जिस वक्त समझ नहीं आती उसी वक्त क्वेश्चन पूछो, ठीक है। सही बात है। तीसरी बात यह कि मोबाइल अपना ऑफ रखेंगे आप, सही है। बाकी ये है कि फ्रेंडली माहौल जितना आपकी तरफ से रहेगा उतना ही मेरी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं माहौल को, तब भी यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अगर आप इसको फ्रेंडली रखना चाहते हैं, स्टिल यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक। सो दिस इज समथिंग, वेरी सिंपल कोर्स प्लान है, विच यू नो एज द फोर असाइनमेंट्स एंड फोर क्विज, फर्स्ट सेशनल, सेकेंड सेशनल का। ये जो आपकी फोर असाइनमेंट्स हैं, दे विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स, यू विल गेट होमवर्क, ठीक है, एक्चुअली। और ये आपका होगा डेली बेसिस पे, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर आपको होमवर्क मिलेगा हर लेक्चर में, क्योंकि मोस्ट प्रॉबली आप नेक्स्ट क्लास में सबमिट कराएंगे, ठीक है। डोंट फॉरगेट, होमवर्क डजेंट मीन्स कि आप घर पे काम करेंगे। इट सिंपली मीन्स आपके असाइनमेंट के फॉर्म में नहीं होगा कि बहुत बड़ी असाइनमेंट है। यू विल गेट टू थ्री क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे, और इन द नेक्स्ट लेक्चर आपने उनको जमा कराना है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर से पहले पूछ सकते हैं। सबमिशन के टाइम पे अगर आप कहेंगे कि समझ नहीं आया, तो दैट विल नॉट बी एन एक्सक्यूज, ठीक है। नो लेट होमवर्क विल बी एक्सेप्टेड। क्विजेज नॉर्मली फोर रिक्वायर्ड हैं, फोर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी नॉर्मल जो आपका कोर्स है, कोर्स मटीरियल आपकी जो कोर्स स्लाइड्स हमारी बनती जाएंगी, दैट विल बी अ फॉर्म ऑफ योर लेक्चर नोट्स, ठीक है। जो आपकी मेन बुक है दैट इज योर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बाय नॉर्मन एस नाइस, ठीक है। मार्केट में फिफ्थ एडिशन अवेलेबल है, ठीक है। फिफ्थ ले लें, लाइब्रेरी में फोर्थ एडिशन है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस में या प्रॉब्लम्स में डिफरेंस आता है, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। रेफरेंस के लिए आपके पास ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम बेंजामिन सीकू, या इसके अलावा कोई भी कंट्रोल सिस्टम की बुक जो आपको अच्छी लगती है, यू कैन स्टडी दैट बुक, ठीक। मार्केट में बेटा फोर्थ एडिशन तो नहीं होगा, मार्केट में फिफ्थ एडिशन है, उससे कोई इतना फर्क नहीं है, सिर्फ आपके जो एंड में प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से चेंज है। फिफ्थ ले लें, नो प्रॉब्लम, ठीक। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑल व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम, आपके जहन में कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग मी और द सब्जेक्ट? तस्वीर नहीं आ रही आपकी, ओके जी। सो माय क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम? आपने जिसको पहली दफा ये सब्जेक्ट पिछले सेमेस्टर में देखा होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम, आपके जहन में क्या क्वेश्चन आते हैं? व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली द कंट्रोल सिस्टम इज? आपके जहन में क्या चीज आई कि ये क्या चीज हो सकती है?
या कुछ भी नहीं सोचा अभी तक कंट्रोल सिस्टम के बारे में? अच्छा, सो कंट्रोल और सिस्टम अगर इनको सेपरेटली देखें तो सिस्टम क्या चीज होती है? सिस्टम कोई भी एक ऐसी एंटिटी दैट कैन एक्सेप्ट इनपुट, कैन प्रोसेस ऑन दैट एंड कैन प्रोड्यूस सम आउटपुट. इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल डेफिनेशन, दैट इज अ सिस्टम. ठीक है, जस्ट लाइक यहां पर ये एक डिफाइन किया हुआ है कि इनपुट आपका जो है इनपुट स्टिमुलस और डिजायर्ड रिस्पॉन्स. ठीक है, दैट गोज टू सम सिस्टम एंड इट प्रोड्यूसेस सम आउटपुट रिस्पॉन्स और वी कॉल इट एज द एक्चुअल रिस्पॉन्स. ठीक है, दिस इज योर डिजायर्ड रिस्पॉन्स. ठीक है, यहां पे मैं डिजायर्ड रिस्पॉन्स और वी कॉल इट एज द इनपुट. ठीक है, दिस इज योर एक्चुअल रिस्पॉन्स और वी कॉल इट एज द आउटपुट. ठीक है, बात. Now, what does then control means? Control the output. क्या हो सकता है control? देखिए, control is a very generic term. ठीक है, इसके अंदर it means अगर हम इसको अगर अपने subject के और अगर देखें तो कंट्रोल मींस कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है जिसको हम अपनी मर्जी से बिहेव करवाना चाहते हैं. ठीक है, जैसे अगर आप डीएलडी में पढ़ते थे, आपको इनपुट दिए, आपको आउटपुट दिए, आप उसका लॉजिक सर्किट डिजाइन कर लेते हैं. ऐसे ही है ना, इनपुट भी आपके पास है, आउटपुट भी आपके पास है, आप लॉजिक उसकी डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो कंट्रोल में भी हमारे पास जैसे लाइक यहां पे हमारे पास ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है या इनपुट आ रही है हमारे पास, और यहां पर हमारे पास एक्चुअल रिस्पॉन्स है या आउटपुट आ रहा है जो भी हमारे पास यहां पे सिस्टम गिवन. ठीक है, सो कंट्रोल मींस कि हम अपने सिस्टम से अपनी मर्जी का बिहेवियर चाहते हैं. सही, हम अपने सिस्टम से अपनी मर्जी का बिहेवियर चाहते हैं, दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम. ठीक, एक इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द लेट कमर्स, आज की क्लास के बाद जब मैं दरवाजा बंद कर दूं क्लास में कोई एंटर ना हो. ठीक है, सो टाइम का ख्याल रखें. सही, नाउ वी हैव वेरी जस्ट लाइक हियर वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स, सेंट्रल टेम्परेचर कंट्रोल. ठीक है, अब ये आपका कहीं पर भी हो सकता है, कोई इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी हो सकता है आपका, जस्ट लाइक ये जो ऊपर फ्लोर पे हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है. ठीक है, उसका भी टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है. ठीक है, या किसी इंडस्ट्री में या आपके घर में जो गीजर लगे हुए हैं, एनीवे जो भी आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल सिस्टम. आपका ये फैन का रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये सामने जो रेगुलेटर लगा हुआ है, दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, क्या आप इसमें जो है इसकी स्पीड सेट करते हैं बाय जस्ट लुकिंग एट द फैन? ठीक है, कि भाई इतना फैन की मुझे स्पीड चाहिए, या इतनी हवा देखते हैं, यार इतनी हवा आ रही है, ठीक है इतनी पुल कर दें, स्लो कर दें. ठीक है, एक्चुअली इतना ज्यादा यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल नहीं है इसका, जस्ट बिकॉज कि हमें यहाँ पे कोई बहुत ही हाई फाई किस्म का सिस्टम ऐसा नहीं है जिसकी हम स्पीड को कंट्रोल कर दें. इंडस्ट्री में अगर हमारे पास मशीन हैं या टेम्परेचर कंट्रोल है हमारे पास, तो वहां पे हमें हाई फाई सिस्टम चाहिए होता है. ऐसी बात है, क्योंकि जस्ट लाइक एक केमिकल प्रोसेस है, उसके अंदर आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है. ठीक है, सो केमिकल प्रोसेस में टेम्परेचर कंट्रोल से ये मुराद है कि अगर आपको 200 सेल्सियस डिग्री के ऊपर आपको टेम्परेचर चाहिए, सो उससे ऊपर या नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो सकता. ठीक है बात, सो देखिए इसके वहां पे हमें एक्यूरेट चाहिए, जबकि आपके घर में गीजर देखें वहां पे भी आपका एक ऑटोमेटिक कंट्रोल लगा होता है टेम्परेचर का.
आप उसको एडजस्ट कर देते हैं कि भाई 60 डिग्री के ऊपर या 70 डिग्री के ऊपर जो है आपका टेम्परेचर जो है पानी का रखे, क्या होता है थोड़ा सा टेम्परेचर जब 10-15-20 डिग्री नीचे आया तो वहां से उसने ऑन हो जाता है गीजर का जो बर्नर है, जो ही टेम्परेचर जो डिजायर्ड है उससे 5-6 डिग्री ऊपर जाता है आपका जो टेम्परेचर उसका जो थर्मोस्टेट है वो ऑफ हो जाता है, बर्नर ऑफ हो जाता है। ठीक है बात। फ्लूइड लेवल मेंटेनेंस सिस्टम है, ये भी ज्यादातर इंडस्ट्रीज में आपके यूज होते हैं, आपके जो खासकर घरों में है, आपके जो घरों में भी लगे होते हैं फ्लूइड लेवल सिंपल, ये जो फ्लश सिस्टम लगा होता है उसका, ठीक है, उसमें जो फ्लो टैंक लगा हुआ होता है जो कि पानी जो उसकी टैंकी होती है ना उसमें जो ही पानी फिल अप होता है वो वाटर का इनफ्लो खत्म हो जाता है, सही। और इसी तरीके से कई लोगों ने टैंकियों में लगाए होते हैं, ठीक है, जो टैंक होते हैं वाटर टैंक छत के ऊपर या अंडरग्राउंड जो है। सो दैट इज इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर लगे हुए होते हैं फ्लूइड फ्लो जो कि हाईली एक्यूरेट होते हैं कि कितना कितने प्रेशर के ऊपर कितना फ्लूइड है वहां से फ्लो होगा। बैटरी वोल्टेज कंट्रोल है ताकि आपकी बैटरी जो है ओवर चार्जिंग से बच सके, किसी किस्म की डैमेज से बच सके। फिर ह्यूमन जो है दैट इज एक ऐसा कंट्रोल है, एक ऐसा सिस्टम है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाईली यू कैन से हाईली सोफिस्टिकेटेड आपका जो एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज द परफेक्ट एंड कंट्रोल सिस्टम बिकॉज दिस इज नॉट मैन मेड सिस्टम, अल्लाह ताला ने उसको बनाया, सो दिस इज अ परफेक्ट सिस्टम, ठीक है। और इसको स्टडी करने के लिए मेडिकल साइंस की हिस्ट्री देखें तो दैट्स वेरी ओल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमारे जो जस्ट लाइक बॉडी है इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, इनपुट्स लगी हुई हैं हमारे पास है, टच है, आईज हैं, वी कैन स्मेल, वी कैन हियर, वी कैन टेस्ट, सो ये सारी चीजें जो है दैट एक्ट्स एज द इनपुट्स, ठीक है। और फिर हमारा जो दिमाग दैट एक्ट्स एज अ होल सिस्टम जो कि इसको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक, और उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन हम लेते हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन से आ रहा होता है कि हमने कौन सा एक्शन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। जैसे लाइक द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन भी यही चीज होती है कि आपके आपको कोई पिंच हुआ, आपको हीट अप कहीं महसूस हो रही है, कोई बर्निंग हो रही है, सो यू जस्ट आपका ब्रेन आपको एकदम सिग्नल दे दे कि आप पीछे उठा। गॉड फॉरबिड अगर कई लोगों का जो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, नर्व्स का प्रॉब्लम आ जाता है, उनको फील नहीं होता कुछ लोगों को कि वो उनका हाथ कंप्लीटली जल भी जाए, सो दे डोंट फील एनीथिंग, ठीक है। दैट इज अ केस जब आपका जो कंट्रोल सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है इंटरनली, ठीक है। दैट इज सो बहुत सारे हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सो that is how the human body is, ठीक है। this is just a basic some definition कि जो control system है कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक चीज याद रखें कि control system is not particularly for the electrical engineering, it is also the part of the integrated part of all the engineering branches, just like civil hai, architecture hai aapke paas, mechanical hai, etc. So aapke paas jitni bhi engineering branches aapki exist karti hain is waqt, uske andar har ek ke andar आपका कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इवन दे आर बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है, और सम अदर मैन मेड फिजिकल सिस्टम्स, ठीक। सो दैट्स व्हाई दैट्स एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, कोई भी फिजिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, दैट कुड बी इवन योर कार, आपका मोटरसाइकिल हो सकता है, जहाज हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जिसके अंदर हमारा ये कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। सो दैट इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग के हमारे पास जो डिफरेंट इंटरकनेक्टेड
कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में, जस्ट लाइक दिस, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रोबोटिक्स. ठीक है, हमारे पास ह्यूमन लाइक रोबोट्स हैं, दे पीपल आर वर्किंग ऑन देम कि उनको ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस भी दी जा सके, बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जो ब्रेन की कम्प्लेक्सिटी है उस कम्प्लेक्सिटी को कोई नहीं अचीव कर सकता अभी तक. ठीक है, दैट इज द आई थिंक इज द मोस्ट कम्प्लेक्स थिंग जो कि एग्जिस्ट करती है, जिसकी इन वर्किंग प्रिंसिपल कि ये कैसे स्टोर कर रहे डेटा और कैसे यहाँ से रिट्रीव होता है डेटा. जी, हम लोग कई दफ़ा चीज़ें देख रहे होते हैं लेकिन हम उन्हें समझ नहीं रहे होते, जस्ट लाइक लेक्चर्स होते हैं नॉर्मली, आप लोग स्टूडेंट्स के लेक्चर सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पर समझ नहीं आ रही होती ये हो क्या है. ठीक है, दे जस्ट थिंक कि यहाँ पे कोई मैजिक हो रहा है और टीचर आया कोई जादू किया चला. ठीक है, सो अगर दैट इज वाई थोड़ा सा इनमें है, लेकिन स्टिल पीपल आर वर्किंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स हैं. इसके अलावा ये डिफरेंट आपके नजर आ रही है अंडर वाटर व्हीकल्स बनाई जाती हैं ऑटोनोमस. ठीक है, ताकि जो ज्यादा गहराई में है जहाँ पे ह्यूमंस का जाना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ पे इन रोबोट्स को भेज के वहाँ पे जो भी सर्फिस की इंफॉर्मेशन है, जैसे लाइक दिस, थोड़ी सी पिक्चर शायद आपको ज्यादा क्लियर ना आ रही है. और इसी तरीके से ये अदर प्लैनेट्स के ऊपर, जैसे लाइक आप मार्स के ऊपर भेजा गया था. ठीक है, मार्स के ऊपर भी एक अनमैन्ड व्हीकल भेजी थी जिसने वहां से उसकी पिक्चर्स वगैरह भी ली. और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होती है, डेंजरस माइंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटोनोमस आपके फायर ब्रिगेड्स बनाए हुए रोबोट्स जो कि जो जहाँ पे आग लगी हुई है ज्यादा, जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते इजीली, वहां पर उनको भेज दिया जाता है. ठीक है, ताकि वहां पे वो फायर फाइटिंग का काम ह्यूमन लाइफ को डेंजर में डाले बगैर ही हो सके. See? So, this is another example of autonomous car, जिसमें के मुख्तलिफ सेंसर्स लगा के, यू कैन सी के आपके पास ऊपर काफी सारी चीजें लगी हुई नजर आ रही हैं आपको, जो कि इस गाड़ी को ऑटोनोमस बना रही है, क्योंकि इसने बहुत सारे डिसीजंस लेने. जैसे हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, हम सारे के सारे डिसीजंस रियल टाइम पे ले रहे होते हैं. हम आगे सड़क को भी देख रहे हैं, साइड व्यूज भी देख रहे होते हैं, बैक व्यू भी देख रहे होते हैं. ठीक है, हम सड़क के ऊपर ट्रैफिक भी देख रहे होते हैं, पेडेस्ट्रियन को भी देख रहे होते हैं, हम सड़क की हालत को भी देख रहे होते हैं. ठीक है, रश भी देख रहे होते हैं, कितना रश है. ठीक है, उस हिसाब से हमें स्पीड भी मेंटेन करनी होती है, हमने ब्रेक भी लगानी होती है, गियर्स भी शिफ्ट करने हैं. ठीक है, सो ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग इन रियल टाइम, और ये काफी सारे काम होते हैं जो कि करने पड़ते हैं. टर्न लेना है तो कितनी स्पीड होनी चाहिए, स्पीड लिमिट आ गई है तो वहां पे स्पीड कम करनी है हमने. ठीक है, अगर हम हाई स्पीड पे जा रहे हैं, हाई स्पीड लिमिट कितनी है उसके भी नोटिस आते रहते हैं. ठीक है, कितनी लिमिट पे आप जा सकते हैं, इतनी लिमिट पे जा सकते हैं. सो ऑल दीज डिसीजंस, इतने सारे डिसीजंस को लेने के लिए बहुत सारा, ऑब्वियसली एक ऑटोनोमस मीन्स जो कि खुद से काम कर रहा होता है. ठीक है, तो हमें ऐसा कंट्रोल चाहिए होगा जो कि सारे के सारे काम खुद कर सके, और ऑब्वियसली दैट विल बी अ क्वाइट एक्सपेंसिव थिंग. ठीक है, और काफी मुश्किल काम, इन अ सेंस के सारी चीजों को हमने देखना होता है. ठीक है, कि अगर इसके अंदर हम एक सिर्फ स्पीड ब्रेकर की इंफॉर्मेशन ना डालें, और अगर ये 60 की स्पीड पे सपोज जा रही है तो उसको स्पीड ब्रेकर नजर तो आएगा, लेकिन उसको नहीं पता कि स्पीड ब्रेकर आया है, किस शेप का स्पीड ब्रेकर आया है, और इसके ऊपर क्या करना है, क्या गाड़ी स्लो भी करनी है या नहीं करनी, या बस 60 की स्पीड पे गुजार दो. ठीक है, बस. सो ऑल दीज थिंग्स जो है हमें नजर आती हैं. ये इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे जो जैसा कि रोबोटिक आर्म्स है, असेंबलिंग होती है कार की. ठीक है, यहाँ पर भी ये असेंबली लाइन ऑपरेशन में जहाँ पे रोबोट्स यूज होते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे जस्ट लाइक जहां पे वेल्डिंग हो रही होती है हाथ कार की असेंबलिंग के अंदर, वहां पे बहुत ज्यादा हीट भी होती है. ठीक है, और काफी ढेर सारे रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं, वो उनको इसी तरीके से सेट किया जाता है कि जो उनसे भी कंपोनेंट्स रखने हैं ऊपर रखते जाते हैं, और उनको जहां जहां वेल्ड करना है उनको प्रॉपरली वेल्ड करते जाते हैं ये रोबोटिक आर्म्स.
दे आर सिंपल बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि एक रिपोर्ट ने जी सामान उठाया कंधे के ऊपर, गया गाड़ी जोड़ी और आगे जाके शोरूम पे रख दिया, ठीक। सो द रिपोर्ट दे आर जस्ट डूइंग अ सिंपल टास्क, किसी एक रिपोर्ट ने एक पार्ट उठाने दूसरी जगह पे रख देना, फिर पार्ट उठाने उसको, किसी ने सिर्फ उसको वेल्ड कर रहे हैं, कोई नट लगा रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है, पेंट हो रही है गाड़ी। सो दैट इज जस्ट असेंबली लाइन जो आपकी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है, सीमेंट प्लांट्स में आपकी यूज हो रही होती है, ठीक है। दैट इज जस्ट ऑटोमेटिक कंट्रोल, ठीक है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आजकल जो कंट्रोल होती हैं वो PLCs के थ्रू कंट्रोल हो रही होती हैं, बट स्टिल दे हैव देयर एक्चुएटर्स एंड सिग्नल। सो एवरीवेयर से मुराद ये है कि जहाँ पे भी हम देखते हैं, ठीक है, सो द कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट, ठीक है। सो कंट्रोल सिस्टम जो है वो नॉर्मली हमें हर जगह पे नजर आ रहा होता है। नाउ कंट्रोल सिस्टम जो है दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, दो बेसिक इसके होते हैं, वन इज योर रेगुलेटर एंड द अदर वन इज अ सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। एक जो आपके पास रेगुलेटर होता है, दूसरा आपके पास सर्वो मैकेनिज्म होता है। रेगुलेटर जस्ट लाइक हम इसको रेगुलेटर कहते हैं ना, ये जो फैन की स्पीड को कंट्रोल कर रहे थे, इसका मेन मकसद क्या होता है कि आप एक किसी फिक्स वैल्यू के ऊपर इसको चला रहे हैं, वेरिएबल तो नहीं होता ना ये, हम इसको ये तो नहीं फीड करते कि यार 5 मिनट तक कितनी स्पीड पे चलाओ, 5-10 मिनट तक, उसके बाद 10 मिनट तक कितनी स्पीड पे चलाओ, फिर 30 स्पीड पे चलाओ। वी आर गिविंग देम अ कॉन्स्टेंट इनपुट, एक कॉन्स्टेंट हम दे रहे हैं कि उस कॉन्स्टेंट वैल्यू को मेंटेन करें, ठीक है। अगेन रिमेंबर फैन की मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट इज नॉट एन एक्यूरेट कंट्रोल, इट इज नॉट एन एक्यूरेट रेगुलेटर, लेकिन स्टिल हमारा पर्पज फुलफिल करता है लो कॉस्ट में, इट्स गुड फॉर अस, ठीक है। क्योंकि इसको भी महंगा किया जा सकता है, इसमें कुछ सेंसर्स लगा दें, इसके अंदर टाइमर लगा दें, इतने टाइम के लिए ऑन हो, इतने टाइम के लिए इतनी स्पीड हो, इतने टाइम के लिए इतनी स्पीड हो, इस टाइम से इस टाइम तक ऑफ हो जाए, ठीक है। बट दैट विल जस्ट बिकम, एक जो रेगुलेटर आपको 50-60 रुपए का मिल रहा है वो आपको मिलेगा 2-3 हजार का, ठीक है। सो ऑब्वियसली जो भी एक सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे भी, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स या पढ़ लिया होगा, सो दैट जस्ट रिफ्लेक्ट्स के इंजीनियरिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट बना दी एंड दैट्स इट। प्रोडक्ट बनाने के से पहले आपने उसको देखना है क्या वो फिजिबल है या नहीं है इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इन द सेंस ऑफ बाकी जो उसमें कंपोनेंट्स लग रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। सो इकोनॉमी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ऐसी डिवाइस बना दें जो कि पहले से मार्केट में भी एग्जिस्ट कर रही हो और विदाउट हैविंग एनी अदर फीचर्स आपने खुद उसको इंजीनियर किया और आप जाके मार्केट में नॉर्मली 10 की मिल रही है, आप 20 की बेचना शुरू कर दें, नोबडी विल गोइंग टू बाय योर प्रोडक्ट। दैट्स जस्ट वेरी सिंपल कॉमन थिंग। सो इसके अंदर फिर बहुत सारे इकोनॉमी के फैक्टर्स आते हैं जो कि आप ऑब्वियसली इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे भी आगे जाके। सो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इधर यू वॉन्ट टू बी अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स कि आपके पास अपना बिजनेस कर रहे हैं या यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ सम बिगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यू मस्ट बी फेमिलराइज विद ऑल दोस। बात चल रही थी यहां से कि रेगुलेटर की, रेगुलेटर मीन्स जहां पे हमें कोई एक खास डिजायर्ड आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है। सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है, या जिसे हम एक और वर्ड भी कहते हैं, यहां पे ये लिखा हुआ ट्रैक, ट्रैकिंग से क्या मुराद होती है कि हमारे पास जो पीछे हमने देखा था कि सिस्टम को डिजायर्ड इनपुट दी थी ना हमने, ठीक है, और एक्चुअल आउटपुट आ रही थी। डिजायर्ड इनपुट इज माय एक्चुअली आउटपुट जो कि मैं चाहता हूं, डिजायर्ड है ना, वो डिजायर्ड जो हम दे रहे हैं ना इनपुट के ऊपर, दैट इज एक्चुअली व्हाट आई वांट दैट थिंग ऑन टू बी ऑन द आउटपुट,
सही, कि जो कुछ मुझे आउटपुट पे चाहिए वो मैं इनपुट पे दे देता हूँ ताकि सिस्टम उसी तरीके से बिहेव करे। जैसे लाइक मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसके अंदर हम सेंसर्स लगा दें और यहाँ पे हम एक पैनल भी लगा दें कि इतने टाइम के लिए इसकी स्पीड 200 RPM तक हो, इतने से इतने टाइम के लिए इसकी स्पीड 300 RPM तक हो, सो दैट इज माई डिजायर्ड इनपुट ना, जो मुझे चाहिए इससे आउटपुट पे। तो 200 RPM मुझे 10 मिनट के लिए चाहिए तो पंखे की स्पीड चाहिए मुझे, ठीक है, सही बात है। सो सेम वे हमारे पास जो सर्वो मैकेनिज्म है, दैट मीन्स कि हम उसको कोई एक प्रॉपरली इनपुट दे रहे हैं जो हमें आउटपुट पे चाहिए, ठीक है। और एन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम है जैसे लाइक रोबोटिक आर्म है डिजाइन टू फॉलो रिक्वायर्ड पाथ इन स्पेस, ठीक है, जैसे गाड़ियों का भी मैंने बताया कि वो रोबोटिक आर्म से बनाए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, दे आर क्वाइट सिंपल रोबोटिक आर्म्स क्योंकि उन्होंने एक ही फंक्शन परफॉर्म करना है, उनको एक पाथ बता दिया जाता है इस पाथ से इधर जाने, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ योर कंट्रोल सिस्टम, ठीक। Here are some advantages of a control system. जैसे कि यहां पर एक example दी हुई है, radar antenna positioning, ठीक है। Radar antenna positioning से क्या मुराद है कि आपके पास क्योंकि जो बड़े बड़े एंटेनास लगे हुए होते हैं, ठीक है, दे आर वेरी डिफिकल्ट कि उनको आप हाथ से मूव करें और उनकी एक्यूरेसी आप तक आ जाए, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, पूरा एक उनको रोटेट करने के लिए मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर एक पूरा मैकेनिज्म उनमें लगाया जाता है। अब वो उसके अंदर मोटर्स भी लगी होती हैं, गियर्स भी लगे हुए होते हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। उसको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, नीचे बैठ के एक नॉब आप घुमाते हैं और उसकी पोजिशन को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे यहां पर लिखा, बाय द लो पावर रोटेशन ऑफ अ नॉब एट द इनपुट, इनपुट के ऊपर तो आपके पास लो पावर है, वहां पर आप एक पोटेंशियोमीटर लेके आप उसकी रोटेट कर रहे होते हैं, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट के ऊपर आपका वो सर्किट काम कर रहा होगा, ठीक। आप रोटेट कर रहे होते हैं, पूरा एंटीना है जिसमें मोटर्स वगैरह गियर सारे कुछ लगा हुआ होता है, ठीक। सिमिलरली स्काडा सिस्टम्स होते हैं जो आपके ग्रिड स्टेशंस पे आप देखते हैं, तो वहां पे भी यही है कि आप लो पावर पे काम कर रहे होते हैं हाई पावर को मेंटेन या मैनेज करने के लिए, सही। इसी तरीके से मोटर कंट्रोल्स आ जाते हैं आपके पास, मोटर्स की जो स्पीड कंट्रोल होती है वो भी यही सिस्टम आ जाता है, ठीक है। आपका जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो फिर आपकी जो रिमोट जगह पे बैठ के आप कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को, वहां से नेसेसरली एम्पलीफिकेशन जो चाहिए या जो भी एक्चुएटर सिग्नल्स आने चाहिए वो सब के सब वहां तक जा रहे होते हैं, ठीक है। दिस वॉज 1979 में एक हादसा हुआ था, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था उसमें ब्लास्ट हो गया था और उसकी वजह से काफी एरिया कंटेमिनेटेड हो गया था, काफी सारे जो लोग थे कुछ मरे भी थे उसके अंदर। उस वक्त तो उस कंटेमिनेशन में जाने के लिए वहां पे क्योंकि न्यूक्लियर सारा रिएक्शन था उसमें, ह्यूमन बॉडी ऑब्वियसली वो जल्दी डैमेज हो जाती है उसके अंदर, सो वहां पे भेजने के लिए एक रोबोट तैयार किया गया था, दैट वाज रोवर उसका नाम था, और इसने उस जगह पे जाके क्लीनिंग वगैरह कुछ की थी। देर इज अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एडवांटेज आता है कंट्रोल सिस्टम की, कि जो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे होते हैं आप, ऑब्वियसली आप टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, गीजर पे तो आपने देखा होगा घरों में सबके लगा, आप सिर्फ एक नॉब घुमाते हैं, ठीक है, टू सेट द डिजायर्ड टेम्परेचर ऑफ द जो गीजर, या आयरन जो आप कर रहे होते हैं कपड़े को उसके ऊपर भी आपने एक नॉब घुमानी होती है, ठीक है। सो द सेम थिंग इज कि आप एक लो टेम्परेचर से कि कंट्रोल से आप एक हाई टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे थे, सिमिलरली इंडस्ट्रीज के अंदर है या फिर जितनी भी प्लास्टिक के आपके इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो भी चीज़ है इसमें जो मशीन्स लगी होती हैं, ठीक, ये दे आर ऑपरेटिंग एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, सम आर एट 900 और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर,
इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के नाम से होती है, और आप उनको, क्योंकि जो जो गन होती है, क्योंकि प्लास्टिक की है ना, प्लास्टिक को हाई प्रेशर के साथ एक इसके जो मोल्डिंग होते हैं उसके अंदर डाला जाता है, ताकि उसको जो भी शेप देनी है वो शेप दी जा सके. सो ऑब्वियसली वो भी जो हाई टेम्परेचर गन्स होती हैं प्लास्टिक की, जिसमें प्लास्टिक को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, एक खास टेम्परेचर तक, उनको भी मेंटेन किया जाता है, रिमोटली मेंटेन किया जाता है, उनका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, और सेंस भी प्रॉपरली हो रहा होता है. सो दिस इज अनदर थर्मल जो आपके पास कंट्रोल है. ये आपके पास एक लिक्विड लेवल कंट्रोल आपके पास जो है, दैट इज फ्लोट वॉल्व यहाँ पे एक दिया हुआ है, जो कि फिट इन हो जाता है इसके अंदर. ये जो ऊपर से जहां से पानी आ रहा है, ठीक है, जो ही नीचे से पानी का प्रेशर फिर आउटफ्लो बढ़ता है, यहां से यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे पानी कम हो जाएगा, ये फ्लोट नीचे आ जाएगा. जो ही पानी यहाँ से ऊपर से आना शुरू होगा, फिर ये फ्लोट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो इट विल जस्ट स्टक इन द पाइप जहां से इन फ्लो हो रहा है. सिमिलरली चाइनीज ने एक बड़े मजे का बनाया था पुराने जमाने में. असल में वो शराब एक खास किस्म की पीते थे, और वो भी एक ही जगह बैठ के और एक ही बर्तन में, स्ट्रॉज के साथ, स्ट्रॉ लेके. अब असल में जिसका गेंडे जैसे फेफड़े हो वो तो ज्यादा पी जाएगा, जो बेचारा कमजोर फेफड़ों वाला तो वो नहीं पी सकता. उन्होंने एक बड़े मजे के स्ट्रॉ डिजाइन किए थे, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कि उन्होंने ये स्ट्रॉ के अंदर एक यहाँ पे एक ये फ्लोट बनाया था, ठीक है. अब ऑब्वियसली हम इसको देख सकते हैं, जो यहां से आप फ्लो सक करते हैं स्ट्रॉ को, तो यहां से जो फ्लूइड है, अगर इसको एक खास में पैर से सक करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज ये ऊपर जाके स्टक हो जाएगा, ठीक है. तो आपके गेंडे जैसे फेफड़े हैं या नहीं है, आपको जो मिकदार है वो प्रॉपरली एक ही फ्लो के साथ आती रहेगी, ठीक है. सो दैट्स आल्सो अ काइंड ऑफ फ्लो कंट्रोल, कि आपका कंट्रोल जो फ्लो हो रहा है उसका, उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है. क्योंकि आपका पोजीशन में नॉर्मली नीचे रहेगा, जो भी सक करेंगे थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ठीक है, ज्यादा सक कर लेंगे तो ग्लव्स ऊपर आके बंद हो जाए, ठीक है. सो दैट इज आर एग्जांपल ऑफ एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल सिस्टम जहां पे हमारे पास आता है, ठीक. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्रोल सिस्टम, जो कि हम तकरीबन देखते ही रहेंगे हमेशा. हमारे पास जैसे कोई भी सिस्टम हम देखते हैं, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस 2 के नाम से एक सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है. उसमें आप सिस्टम के जो भी आपके पास सर्किट गिवन है, उन सर्किट की आप एनालिसिस करते हैं, ठीक है. एक एनालिसिस आप ये करते हैं कि जब आप स्विच क्लोज करते हैं टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, व्हाट्स द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, ठीक है. और एक एनालिसिस आप तब कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर थोड़ा सा वक्त गुजर चुका हुआ होता है, ठीक है. सो दैट इज जो जिसके आप स्विच ऑन करते हैं एक लम्हे के लिए, और उसका जो आप रिस्पांस देख रहे होते हैं, उस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पांस. ये जो आपको नजर आ रहा है, ट्रांजिएंट रिस्पांस, ठीक है. और इसके बाद इसका थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है, उस वक्त जो हमारे पास रिस्पांस आता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. ये जो इस पोर्शन से इधर है, दैट इज योर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है. सेव बाजी नाउ, अब जिस वक्त हम स्विच ऑन करते हैं, जो ट्रांजिएंट्स आते हैं वो किस वजह से आते हैं? ट्रांजिएंट्स जो आते हैं, जो हम कहते हैं ना, ये ट्रांजिएंट, जो यहां पर टाइम टी इक्वल्स टू जीरो आप स्विच आपने क्लोज किया, और वहां पर आपने कुछ देखा कि सिस्टम जो भी सर्किट है उसके अंदर कोई करंट फ्लो करने शुरू होगी, कुछ हुआ उसके अंदर, ठीक है. और अगर थोड़ी सी इनपुट अगर कोई नहीं है तो वो थोड़ी देर बाद सब कुछ खत्म हो जाता है,
व्हाट्स दैट थिंग? क्या चीज? देखिए हम एक बात करते हैं ना कि हमारे पास सिस्टम जो है ईटर दैट इज स्टेटिक, ठीक है, और द सिस्टम इज डायनेमिक. स्टेटिक सिस्टम से क्या मुराद होती है? और सिंपल वर्ड्स में डायनेमिक सिस्टम्स को अगर हम पहले एक्सप्लेन करें सिंपल, देखिए सर्किट्स की बात करें हम, तो हमारे पास जब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, दे आर डायनेमिक. अब एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? इंडक्टर और कैपेसिटर है, ठीक है. इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में आपका चार्ज स्टोर हो रहा होता है, ठीक है. जबकि अगर हमारे पास सिंपल रेजिस्टिव नेटवर्क हो तो दैट्स अ स्टैटिक नेटवर्क, उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही होती. तो ये जो हमारे पास ट्रांजिएंट्स आते हैं दे आर बेसिकली, ये जो ट्रांजिएंट्स हैं ये आपके डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर? आपके जो इनिशियल स्टोर एनर्जी होती है, जो इनिशियली स्टोर एनर्जी होती है आपके सिस्टम के अंदर वो ये होती है, ठीक है. नाउ और जो स्टेडी स्टेट आपके पास आता है दैट इज योर ड्यू टू सम इनपुट आफ्टर सम टाइम्स, जिसको तो उसमें से इंटरनली स्टोर्ड एनर्जी की वजह से जो रिस्पांस होता है वो डिके हो जाता है, उसके बाद जो आपके पास रिस्पांस बच जाता है दैट इज योर स्टेडी स्टेट रिस्पांस, ठीक है. अच्छा यहां पर हमारे पास जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है इसको इट इज इसको एक और वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है हमारे पास के वी कॉल इट एज अ जीरो इनपुट रिस्पांस, ठीक है. क्योंकि जिस वक्त आप कोई भी देखिए जिस वक्त आप कोई भी जो आपके पास सिस्टम है हमारे पास ये जो ट्रांजिएंट आता है, ट्रांजिएंट होता है, और दूसरा हमने क्या नाम दिया? स्टेडी स्टेट का, ठीक है. जो ट्रांजिएंट है हमारे पास वो हमारे पास क्या कहलाता है? इसको एक और नाम दिया जाता है, वी कॉल इट एज द नेचुरल रिस्पांस, ठीक है. वी कॉल इट एज द नेचुरल रिस्पांस ऑफ द सिस्टम. और स्टेडी स्टेट के लिए जो हम एक और यूज करते हैं दैट इज द फोर्स्ड रिस्पांस. इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास जो रिस्पांस बनता है दैट इज योर टोटल रिस्पांस, ठीक. क्योंकि आप जब भी कोई जैसा एक कोई इलेक्ट्रिक सर्किट टू कोई देखिए तो आप जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं यू गेट द सोल्यूशन लाइक दिस, सीरीज पावर माइनस something a t plus some constant some function here, okay. This is normally you get at y of t, okay. Now ye jo e raised power a t hai, what's this thing? This is your natural response, theek hai. For the system to be stable, theek hai, aage dekhenge stability ka. For simply for system to be stable aapka natural response must decay hona chahiye, ठीक है. बेशक इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि वो कितनी देर में हो रहा है, इट कैन टेक वन मिनट, वन सेकेंड, वन ईयर, मिलियन ईयर, लेकिन इट मस्ट डिके. किसको खत्म जरूर होना चाहिए, अदरवाइज अगर ये डिके नहीं होता तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाता, ठीक.
सो दिस 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 थिंग मस्ट डाई डाउन आफ्टर सम टाइम और दिस इज योर फोर्स रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहा होता है, ठीक। सो स्टेबिलिटी से क्या मुराद होती है, यहां पर ही थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। स्टेबिलिटी से क्या एज्यूम करते हैं, एक चीज आपने देखी होगी बाइबो के नाम से, ठीक है, क्या चीज होती है, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, व्हाट डज इट मींस, इट सिंपली मींस कि अगर हम किसी सिस्टम को बाउंडेड इनपुट देते हैं, ठीक है, और अगर वो बाउंडेड आउटपुट देती है तो इट्स ओके स्टेबल, अगर हम उसको बाउंडेड इनपुट देते हैं एंड दैट जस्ट ब्लोज ऑफ, ठीक है, ब्लो कर जाता है आपका सिस्टम, ठीक है, सो दैट इज योर अनस्टेबल, ठीक है, फॉर द टाइमिंग फॉर अस इट्स ओके फॉर दिस डेफिनेशन, ठीक है, आगे हम इसके डिटेल में देखेंगे। अच्छा, नाउ हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम है उसको हम पहले हमने दो क्लासेस डिफाइन की है, मीन कि जिसमें हमने कहा था एक रेगुलेटर है और एक सर्वो मैकेनिज्म है, ठीक। यहां पर हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं, एक हमारे पास ओपन लूप सिस्टम है और दूसरा हमारे पास होता है क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। इसको अगर सिंपली मैं ड्रॉ करूं ओपन लूप सिस्टम को से, तो जो पहले हमारे पास था दिस इज माय सिस्टम, ये मेरे पास इनपुट है या वी कॉल इट एज द रेफरेंस, दिस इज माय आउटपुट, ठीक है, और माय डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। अब ओपन लूप सिस्टम से क्या मुराद होती है, ओपन लूप सिस्टम से यह मुराद होती है कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम इस आउटपुट को इनपुट के ऊपर मेयर कर सके, ये जो पाथ है ना, ये वाला जो पाथ नजर आ रहा है, मैंने ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है, और इस वजह से हम सिस्टम के चेक नहीं कर सकते हैं कि जो हम रेफरेंस इनपुट दे रहे हैं क्या वही आउटपुट जनरेट हो रही है या नहीं हो रही, कुछ भी हो सकती है, इवन इफ योर सिस्टम इज कोलैप्स्ड यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं और अगर आप कोई उससे फीडबैक नहीं ले रहे तो दिस इज जस्ट लाइक द सेम थिंग कि मैं आपको पढ़ाता जाऊं छह महीने बाद आप देखो मुझे अल्लाह हाफिज, तो छह महीने बाद मुझे ये किसी को भी नहीं पता चलेगा कि किसने कितना सीख लिया, ठीक है, सेम ही बात। सो दिस इज योर ओपन लूप सिस्टम, इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें नजर आ रही है, इनको हम वापस आके दोबारा डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं हमारे पास वो क्लोज लूप सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो आउटपुट आ रही है वी कॉल इट एज द सी एफ एस, ठीक है, सी है, और इसको भी एक सेकेंड जस्ट, सी और वाई दो डिफरेंट नोटेशन इसके लिए जो यूज की जाती है, ठीक है, सो दिस इज माई आउटपुट, इसको हम मेयर कर रहे हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर और सेंसर के जरिए, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो जगह यहां पर अगर आप गौर से देखें तो हम जो रेफरेंस इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से हम जो ये आउटपुट आ रही है यहां से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आएगा, नजर आ रहा है ना। अब ये क्या चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं इस फैन के कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा कंट्रोल लगा देता हूं यहां पे और मैं कहता हूं कि मैं 200 आरपीएम तक इसकी स्पीड को मेंटेन करें, अब क्या होगा, अब फैन ऑन हुआ है एकदम ही तो 200 आरपीएम पे नहीं पहुंचेगा ना, इट विल टेक सम टाइम,
अब वो क्या करता जाएगा, जो आपका एरो यहाँ पे जनरेट होता जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे तो, यहाँ पे तो मैंने उसको दिया हुआ 200 RPM, यह सिस्टम जो आपका है ये 0 से 200 तक जाएगा ना, ठीक है। सो यहां पर शुरू में तो 0 स्पीड है जी, पावर बढ़ा देगा आपका कंट्रोलर, फिर ऐसा 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 कम करता जाएगा, ठीक है, एट द एंड जब तक कि ये एरर जीरो नहीं जाएगा। एरर जीरो होने से क्या मुराद होगी, हमारी जो रेफरेंस इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है एक हो गए, ठीक है। दिस इज द सेम थिंग, ये आपने जैसे कि एक सिंपल इनपुट अगर मैं इसको दूं कि ये स्टेप इनपुट है, ठीक, और इसकी जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, कुछ देर के बाद ये जो है इसको फॉलो करना शुरू कर दिया इसे, ठीक है, क्लियर है वन से। सो ये जो एरर है, ये एरर क्या है, जस्ट लाइक ये स्टार्ट में एरर है ना, ठीक है, स्टार्ट में आपके पास ये एरर आ रहा है, मैक्सिमम एरर, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये एरर कम होता जा रहा है, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव एरर आ गया, फिर ये नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर, और एक वक्त आएगा जब एरर खत्म हो जाएगा, ठीक, मे बी जीरो ना हो लेकिन मिनिमाइज हो जाएगा से, ठीक। अब इसके अंदर देखिए तब से ये चीजें लगी हुई है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है, यहां पर आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है, और यहां पर हमने फिर कंट्रोलर लगाया है, ठीक है। कंट्रोलर का क्या काम है, पहले इसको देख लेते हैं। कंट्रोलर का काम यह है कि जो आपके यहां पे आप रेफरेंस इनपुट और जो आपके पास एक्चुअल आउटपुट आ रही है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या है, आपके पास एरर। अब इस एरर के ऊपर, एरर कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एरर से क्या मुराद है कि आपके पास रेफरेंस ज्यादा है, मतलब जहां पे, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव होगा एरर, यहां पे हमारे पास नेगेटिव एरर होगा। पॉजिटिव एरर से क्या मुराद है कि हमारा जो कंट्रोलर है, ये जो कंट्रोलर लगा हुआ है, इसकी जो आउटपुट है ये इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव है, ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा हो गई ना, नेगेटिव एरर से क्या मुराद है, ये मेरी डिजायर स्पीड थी ना, ये वाली 200 RPM की, अब इससे बढ़ गए तो स्लो कर देगा, इससे कम है स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है भाई। सो दिस इज व्हाट द कंट्रोलर इज डूइंग, और इसकी जो आउटपुट आती है वी कॉल इट एज द यू एक्चुएटर सिग्नल, ठीक है, एक्चुएटिंग सिग्नल। ये क्या कर रहा होता है, आपके जो प्रोसेस या जो प्लांट है उसको जो सिग्नल डायरेक्टली जा रहा है। अब नाउ एक्चुएटर्स जो है कोई भी चीज हो सकती है, कोई मोटर हो सकती है, ठीक है, कोई एम्पलीफायर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको जिस जगह पे जो डिजायर्ड आपने जगह पे सिग्नल भेजने हैं, ठीक है, वो क्या हो सकता है। अगर आप किसी की पोजीशन कंट्रोल करें, जैसे कैंटीना की बताई थी शुरू में देखा, तो वो मोटर होगी, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल करना है, कोई थर्मोस्टेट होगा, ठीक है, जो सेंस भी कर रहा होता है और फिर उसको मेंटेन भी कर रहा होता है, कभी ऑन ऑफ कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर और सेंसर जो है, ये भी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है, कोई मैकेनिकल डिवाइस हो सकती है, ठीक है, और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक। जस्ट लाइक आपके पास अगर आपने स्पीड मेजर करनी है तो टैकोमीटर है आपके पास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं, ठीक है, मशीन लैब्स में आपने देखे भी होंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे हुए, ठीक है, टैकोमीटर्स भी वहां पर हैं, सही, मोटर की स्पीड में, कोई भी स्पीड में, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आपके पास थर्मोस्टेट वगैरह मिल जाता है, प्रेशर के लिए आपके पास पीजोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल भी मिल जाती है आपको, ठीक। सो ऐसे का आपके पास इस तरीके से काफी सारे ये हमारे पास जो डिफरेंट सेंसर्स आ जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टेक्नोमीटर जो भी है, आप जिससे आप आउटपुट मेजर करके उसको इनपुट पे ले जाए, क्योंकि ट्रांसड्यूसर का वर्ड इसलिए यूज किया जाता है कि
ट्रांसड्यूसर मीन्स दैट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ठीक है. जस्ट लाइक माइक है, माइक क्या करता है, आपकी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. टैकोमीटर क्या करता है, आपकी रोटेशन को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको बता देते हैं कि कितनी रोटेशन हो रही है पर मिनट. अच्छा, यहां पर एक और चीज जो आपको नजर आ रही है, जो आपको ओपन लूप में भी नजर आ रही थी, ठीक है, ये जो आपको ऊपर ओपन लूप की बन जाता है ये वाला सिस्टम, डिस्टर्बेंस नजर आ रही है यहां पे, ठीक है. और डिस्टर्बेंस को अगर गौर से देखें तो ये यहां पे ऐड हो रही है, इस जगह पे भी ऐड हो रहा है सिग्नल के अंदर, ठीक. डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक चीज यहां पे तो इसमें खुद ऐड करना चाहता हूं, यहां पे इसी तरीके का ये ब्लॉक्स है, ठीक. सो दिस इज योर नॉइज. नॉइज और डिस्टर्बेंस क्या चीज होती है, ठीक है. नॉर्मली जब हम नॉइज की बात करते हैं कम्युनिकेशन में या किसी जगह के ऊपर या डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, दे आर वन एंड द सेम थिंग. कभी आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि नॉइज आ रही है या डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है. कभी आप उसको डिस्टर्बेंस का नाम देते हैं, यार डिस्टर्बेंस हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है. डिस्ट्रैक्ट जब आप हो रहे होते हैं नॉर्मली, या फिर नॉइज आ रहा होता है, ठीक है, जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था. सो मोर और लेस उनके मीनिंग सेम ही बनते हैं, लेकिन कंट्रोल के अंदर इन दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जाता है. डिफ्रेंशिएट इस तरीके से किया जाता है कि जो आपका डिस्टर्बेंस है यह आपका होता है लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है. जबकि आपका नॉइस होता है यह आपका होता है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर. क्योंकि जो आपके पास सेंसर्स लगे हुए होते हैं, सेंसर्स में नॉर्मली एम्पलीफायर्स लगे हुए होते हैं, और एम्पलीफायर्स का हमें पता है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को इजीली पिक कर लेते हैं. और हमारे ऑब्वियसली इधर से हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज इसमें ऐड हो जाता है. अब डिस्टर्बेंस कहां से आती है, ये जो हमने डिस्टर्बेंस हमने यहां पर डिफाइन की है, अब ये डिस्टर्बेंस कहां से आती है. डिस्टर्बेंस मीन्स, क्योंकि हमारे जो सिस्टम के डायनेमिक्स होते हैं नॉर्मली दे आर एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दे आर एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक. जस्ट लाइक गाड़ी में आप देखें, कभी किसी ने गौर से देखा तो इंजन और बॉडी को सेपरेट करने के लिए प्लास्टिक के लगाए जाते हैं पैड्स, देखिए ना. से अब वो पैड्स होते हैं, दे आर एक्चुअली पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. जो रबर पैड होता है वो पैसिव होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस कह लेंगे, नॉइज का हाई फ्रीक्वेंसी का जो भी वाइब्रेशन आएगी उसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. लो फ्रीक्वेंसी पे जो आती है वो बॉडी में पास ऑन हो जाती है. जस्ट लाइक आप जब सुबह स्टार्ट करते हैं गाड़ी तो कांपना शुरू हो जाती है, उस वक्त जब उसमें नॉकिंग होती है ना तो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. अब वो लो फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन आपकी, इवन वो सेपरेटर लगे हुए होते हैं, आइसोलेटर्स लगे हुए होते हैं वाइब्रेशन को आइसोलेट करने के लिए, स्टिल वो आपके गाड़ी की बॉडी में आ जाती हैं और आपको महसूस होता है कि गाड़ी भी महसूस करता है, अच्छा खासा गाड़ी हिल रही हो, ठीक. सो दिस इज जो आपके पास ये जो चीज होती है दैट इज योर डिस्टर्बेंस, ठीक है. वो लो फ्रीक्वेंसी को तो अब क्योंकि इंजन हाई स्पीड पे जब चल रहा होता है तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेशन जनरेट हो रही होती है, लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन है वो आपको इतनी महसूस नहीं होती है. वो इसलिए महसूस नहीं होती है कि वो जो रबर पैड्स लगे होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं वहीं पे, उसको पास ऑन नहीं करता बॉडी के अंदर, ठीक है. बात अब इसे महंगा नहीं लगाते उसके अंदर आइसोलेटर, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है, ठीक है. ऑब्वियसली फिर वो भी एक पूरे का पूरा एक सिस्टम हो जाएगा जी, आइसोलेटर भी 50,000 रुपए का आइसोलेटर लग रहा है, ठीक.
सो ऑब्वियसली क्योंकि कंट्रोल के अंदर जैसे मैंने पहले बात की थी इकोनॉमी, और जिस वक्त आप उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ती जाती है सिस्टम की. जस्ट लाइक आपकी मेहरान है या फिर आल्टो देखें, कल्टस देखें, ठीक है, फिर स्विफ्ट देखें, फिर टोयोटा देखें, फिर मर्सिडीज देखें, फिर BMW और सो ऑन ऊपर जाते जाएं, व्हाट यू आर पेइंग द कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है ना, व्हाट यू आर पेइंग फॉर इज द परफॉर्मेंस. ठीक है, इंजन की परफॉर्मेंस है. नॉर्मली सस्पेंशन एक अच्छा खासा अहम रोल अदा करती है किसी गाड़ी की प्राइस में. ठीक, क्योंकि सस्पेंशन पैसेंजर की कंफर्ट डिफाइन कर रही होती है ना, कि कितनी कंफर्ट है, कि कितनी वो कितनी रफ सरफेस पे चलने के बावजूद भी पैसेंजर जो है गाड़ी में बैठा हुआ इजी फील कर रहा है. ठीक है, सो वो कॉस्ट ऑब्वियसली फिर आपकी डिपेंड कर रही होती है कि आपकी परफॉर्मेंस के. बट हम बात यहां से चली थी कि डिस्टर्बेंस के ऊपर. डिस्टर्बेंस मीन्स आपके पास जो लो फ्रीक्वेंसी अनवांटेड सिग्नल्स हैं जो कि डायरेक्टली ऐड होते हैं प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट के अपने डायनेमिक्स, उसकी जो अपनी डायनेमिक्स है, अपनी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, पोल जीरोज हैं, दे आर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. ठीक है, क्लियर हुई बात है नहीं? तो वो जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस की लो फ्रीक्वेंसी पर है, तो ऑब्वियसली दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट द सिस्टम. आगे हम इसके पे तरीके देखेंगे कि हम डिस्टर्बेंस को कैसे खत्म कर सकते हैं और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं या नॉइज को कैसे कम कर सकते हैं. बराबर, दैट इज द फ्यूचर टॉपिक. एक और चीज जो हम यहां पे देखते हैं, बार बार आ जाते यहां पे, जिसका हमने ओपन लूप की बात की थी, देखिए वहां पर भी हमारे पास यही वो, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है, कंट्रोलर है, प्रोसेस प्लांट है, और जबकि बस सिर्फ हमारे पास एक कोई फीडबैक पाथ नहीं है, डिस्टर्बेंस भी है यहां पे. ठीक है बात है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद नहीं है, हमारे पास फीडबैक पाथ मौजूद नहीं है. अब ये जो फीडबैक पाथ हम ऐड करते हैं, दिस इज अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम. और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो ऐसा ऐसा हम नजर आते जाएंगे जो जो हम आगे चलेंगे, लेकिन एक चीज जो हमें यहां पे क्लियरली नजर आ रही है, दैट इज द कॉस्ट, कंप्यूटेशन कॉस्ट प्लस इक्विपमेंट कॉस्ट. इक्विपमेंट कॉस्ट आपकी ये सेंसर्स की है, कंप्यूटेशन कॉस्ट आपकी एरर है, कंट्रोलर जो भी आपका प्लांट उसको कंप्यूट कर रहा है, जो भी कर रहा है वहां पर आपकी कॉस्ट लग रही है. ठीक है, सो सबसे अहम जो कॉस्ट आपकी आती है, दैट इज योर सेंसर्स. अब जितने ज्यादा सेंसर्स बढ़ाते जाएं सिस्टम के अंदर, जितनी ज्यादा चीजों को मेजर करना शुरू कर देंगे, उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी. आप जितना फिर सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाएंगे, सेंसर्स की कॉस्ट बिलियंस में चली जाती है. ठीक है बाजी, सो अगेन फीडबैक की वजह से जहां पर हमें डिजायर्ड आउटपुट लेने में मदद मिलती है, जहां पे हम अपने सिस्टम को अपनी मर्जी से बिहेव करवा सकते हैं, वहीं पर हमें इसकी कहीं ना कहीं कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है. ठीक है बाजी, अच्छा ये थोड़े से इसके दिए हुए, ग्रेटर एक्यूरेसी देन ओपन लूप सिस्टम, ट्रांजिएंट एंड स्टेट स्टेट रिस्पॉन्स कैन बी कंट्रोल्ड मोर इजिली. वही जो हमने बात की कि हम अपनी मर्जी से अपने सिस्टम को बिहेव करवा सकते हैं. मोर कम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव देन ओपन लूप सिस्टम. ठीक है, ओपन लूप ऑब्वियसली कम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, इसमें रिक्वायर्स मॉनिटरिंग द प्लांट आउटपुट. थोड़ा सा ये चीज हम पहले डिस्कस आ गई थी बीच में, तो हमने वहां पे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था इसको, कि हमारे पास जो टोटल रिस्पांस है किसी भी सिस्टम का, दैट इज सम ऑफ द नेचुरल प्लस फोर्स रिस्पांस. ठीक है, और नेचुरल रिस्पांस डिस्क्राइब्स द वे द सिस्टम डिसिपेट्स और गेन एनर्जी, इट इज इंडिपेंडेंट ओनली ऑन द सिस्टम नॉट द इनपुट. मीन्स आपका ये डिपेंड कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कंडीशन के ऊपर, क्योंकि जब आप सर्किट सॉल्व करते हैं तो आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो आपको कोई इनिशियल कंडीशंस भी मिलती हैं. वो इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं, उस जो सिस्टम के अंदर जो भी डायनेमिक कंपोनेंट लगा हुआ है उसकी प्रीवियसली स्टोर्ड एनर्जी,
ठीक है, उसके अंदर जो प्रीवियसली स्टोर्ड एनर्जी है वो आपको मिल रही होती है, ऐसे है ना, देयर एज द इनिशियल कंडीशन से। फोर्स रिस्पॉन्स डिपेंड करता है सिर्फ इनपुट के ऊपर, अगर इनपुट नहीं है आपकी सिस्टम के अंदर लगी हुई और आपका कोई डायनेमिक सिस्टम है उसके अंदर कोई एनर्जी पहले से स्टोर है, आप जो ही उस सिस्टम को स्विच ऑन करेंगे तो वो थोड़ी देर तक ट्रांजिएंट्स प्रोड्यूस करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ये है ना। और ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल क्या डिफाइन कर रहा है कि ये आपके पास कुछ देर के बाद डिके हो जाएगा, दिस इज योर टाइम। अब मैंने बताया कि टाइम डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक सेकंड में होता है, 10 सेकंड साल, 10 साल, 1 लाख साल, ठीक है, बट इट विल गो टू द डिके, अगर डिके हो रहा है सो दैट इज योर स्टेबिलिटी भी अभी मिल रही है, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी इनपुट का इफेक्ट नहीं आ रहा, अगर कोई इनपुट आएगी, ठीक है, सो इट मींस हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्स होगा, सही है, जो भी हमारे पास कोई इनपुट है, ठीक है। यहां पे जैसे लिखा नेचुरल रिस्पॉन्स मस्ट गो टू जीरो लीविंग ओनली द फोर्स रिस्पॉन्स और ऑसिलेट, ठीक। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पास हार्डवेयर लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, फाइनेंसिस को हमने डिस्कस किया है। हार्डवेयर लिमिटेशन से ये मुराद है कि हमारे पास जो कुछ हम डिजाइन करने जा रहे हैं, वेदर ये जो हार्डवेयर जो हमारे पास है वो इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर या नहीं, ठीक है, या जो हार्डवेयर हम परचेज कर रहे हैं जो हमने इसके लिए सिलेक्ट किए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो इतना एक्सपेंसिव तो नहीं कि प्रोजेक्ट ही फिजिबल ना रहे, ठीक है। सो और इसके अलावा क्या जो जिस वक्त तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त तक ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि लोग इसको परचेज करें, ठीक है। सो बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं जिनको पहले से देखा जाता है कि आप जो हार्डवेयर आपकी लिमिटेशंस आ रही हैं, ये ना हो कि आपके जी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 5 साल चाहिए, पता चले 5 साल बाद उससे भी कई अच्छी अच्छी चीजें बन के आ गई और वो प्रोजेक्ट जो है फेल हो गया सिर्फ इस वजह से कि उसमें जो हार्डवेयर या उसकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है दैट्स ऑब्सोलेटेड, ठीक। फाइनेंसिस ऑब्वियसली इज वन ऑफ द मेजर इशू कि पैसे कहां से आएंगे। रोबस्ट डिजाइन से क्या मुराद है कि डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर वो काम कर सकता है या नहीं, ठीक है, डिफरेंट एनवायरमेंट्स कंट्रोल में थोड़ा सा इसको इसी सेंस में लिया जाता है कि अगर आपका सिस्टम के पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट करें गर्मी है, आपने एक ये रेडियो ट्रांसमीटर बनाया, अब अगर ये आर्मी वालों को दे दिया, आर्मी वाले जंग में लेकर चले गए, कभी ये नीचे गिरेगा, ठीक है, कभी पत्थरों पे गिरेगा, कभी पहाड़ी से नीचे गिरेगा, कभी किधर से नीचे गिरेगा, कभी अगर ये टैंक के अंदर पड़ा हुआ तो टैंक के अंदर टेम्परेचर 70-80 तक भी चला जाता है डिग्री सेल्सियस तक जंग के तो। सो क्या वो इन सब सिचुएशंस में काम कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर तो वो कर सकता है दैट इज अ रोबस्ट डिजाइन, ठीक है, अगर वो नहीं कर सकता दैट्स नॉट अ रोबस्ट डिजाइन। इसी तरीके से कंट्रोल में जब हम कंट्रोलर डिजाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर पैरामीटर्स वेरिएशन जो आ रही है सिस्टम के अंदर हीट अप होने से या ठंड सर्दी में जाने से या किसी और वजह से भी, तो क्या उन सारे सिचुएशंस को देख के कंट्रोलर जो है वो काम अपना कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली अ रोबस्ट डिजाइन, ठीक। देयर इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीना एजिमथ पोजीशन कंट्रोल, ठीक है, इसके अंदर ये देखिए इसका थोड़ी सी डिटेल जो डायग्राम बनाई हुई है, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर लो फ्रीक्वेंसी, प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा, ठीक है, जस्ट इट्स ओके, दिस इज जस्ट अ पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, एंटीना एजिमथ है, ये एंटीना तो नजर आ रहा है ना, ठीक है, इसके एंगल को जो एजिमथ एंगल है इसका उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये गियर्स लगे हुए हैं, ठीक है,
यहाँ पर ये एक मोटर लगी हुई है, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स दे जस्ट कंप्राइज अ कंप्लीट सिस्टम. अब अगर हम इस सिस्टम को डिजाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स यूज होते हैं जो कि हम इसको डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं. जैसे सबसे पहले जो हमारे पास है, डिटरमिन अ फिजिकल सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशंस फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स. ठीक, क्योंकि एक बात अभी हमें क्लियर हो चुकी है कि हमने जब कंट्रोल बनाना है तो हमारे पास कोई ना कोई फिजिकल सिस्टम जरूर एग्जिस्ट करता है जिसको लेके हम अपना सिस्टम डिजाइन करेंगे. ठीक है, हमारे पास जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है, चाहे आपको किसी इंडस्ट्री की तरफ से आ रही है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के किसी कंट्रोल जो आपका डिपार्टमेंट वहां पर आप काम कर रहे हैं और आपने वहां पे जो भी उसके लिए कंट्रोलर डिजाइन करने. नाउ डिटरमिन अ फिजिकल सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशंस फ्रॉम द रिक्वायरमेंट. जो फिजिकल सिस्टम है उसकी स्पेसिफिकेशंस हमारे पास होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम. फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम से ये मुराद है कि हम उसके जो डिटेल्ड एक डायग्राम बनाए जिसके अंदर हमें सब कुछ उसका नजर आ रहा हो. जस्ट लाइक ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हमारे पास आ जाती है. ठीक है, कि इनपुट क्या आ रहा है, ठीक है, आगे जो आपके पास सिग्नल एंड पावर एम्पलीफायर्स हैं, इसमें ऐसा भी कुछ चीजें नजर नहीं है, बट दिस इज जस्ट योर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, इसके ऊपर दोबारा आते हैं. फिर ट्रांसफॉर्म द फिजिकल सिस्टम इनटू अ स्कीमेटिक. ठीक है, किसी स्कीमेटिक उसकी बना सकते हैं हम. फिर यूज स्कीमेटिक टू ऑब्टेन द ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो डायग्राम और स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन. ठीक, फिर इफ मल्टीपल ब्लॉक्स, रिड्यूस द ब्लॉक डायग्राम टू सिंगल ब्लॉक और क्लोज लूप सिस्टम. एनालाइज डिजाइन एंड टेस्ट टू सी दैट रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस आर मेट. ठीक, अब मैंने इनको पढ़ को दिया. अब दीज आर जस्ट इन डिटेल वी विल डिस्कस. ठीक है, कि हमारे पास क्या चीजें हैं और क्या है हमारे पास, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं जी स्कीमेटिक्स हैं, ब्लॉक डायग्राम्स हैं, सिग्नल फ्लो डायग्राम्स हैं. यहां पर जो नजर आ रही है ये इस स्टेप के अंदर हमारे पास ब्लॉक डायग्राम्स आ जाती है, हमारे पास सिग्नल फ्लो आ जाते हैं, सिग्नल फ्लो डायग्राम्स हैं, या फिर हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है. ठीक, यहां पर हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन इन ब्लॉक्स. ठीक है, अब ब्लॉक्स में बनाने का असल में मकसद सिर्फ ये होता है कि आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम फंक्शनली छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट वी कैन इजीली ट्रांसफॉर्म दैट सिस्टम इनटू अ इक्वेशन. क्योंकि हमने पूरे सिस्टम को एक पेपर के ऊपर लेकर आना है और जो पेपर के ऊपर चीज आएगी हमारे पास दैट इज सम इक्वेशंस. ठीक है, कोई इक्वेशंस हमारे पास आएंगी जिनको आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे. अब जो बीच में ये जो दो स्टेप्स हैं, ये वाला और ये वाला जो स्टेप है, इसके अंदर हमारे पास जो ब्लॉक डायग्राम्स बनती है और इसके बाद हम उसको रिड्यूस करते हैं. इफ इट इज पॉसिबल कि दो दो ब्लॉक्स को या तीन तीन ब्लॉक्स को आपस में मिला के हम आहर में, या सारे ब्लॉक्स को मिला के हम आहर में एक ही ब्लॉक बना लें, क्योंकि वो तो इक्वेशंस है ना. ठीक है, वो इक्वेशंस है आपकी. बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. वो टिश्यू नीचे फेंक रहा था और आप उठा देते. ठीक है, सो ऑब्वियसली बहरहाल ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. हमारे पास अगर जैसे चैप्टर्स के नाम भी लिखे हुए नीचे. ठीक है, फिर एनालाइज डिजाइन टेस्ट है. ठीक है, मुख्तलिफ एनालिसिस करते हैं हम अपने सिस्टम के. ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस वगैरह आ जाते हैं. ठीक है, और इसके बाद फिर हम इसकी मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह इसके ऊपर करते हैं और डिजाइनिंग करते हैं हम कंट्रोलर्स की. ठीक है, सो दीज आर सम स्टेजेस जो के इसके अंदर डिफाइन की हुई है. ये जो सिक्स स्टेजेस हैं, 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स, ये सिक्स हमारे पास स्टेप्स डिफाइंड है, इन स्टेप्स में हम अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं। जैसे कि आप आगे थोड़ा सा अगेन ड्यू टू दिस, हमारे पास ये एंटीना की जो हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट, ये फिजिकल सिस्टम हमें गिवन है, जो भी एंटीना, इसका हमने एंगल को क्या करना है, पोजीशन कंट्रोल करनी है हमने इसके अंदर। ये इसकी हमारे पास फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, ये इसका पोटेंशियोमीटर है जो इनपुट एंगुलर इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस इनपुट के कितने एंगल के ऊपर इसको मूव करना है हमने, ठीक। वो पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ऑब्वियसली क्या चीज होती है, वेरिएबल, जो आपका वेरिएबल रजिस्टर जो होता है उसके जरिए हम इसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास सिग्नल एंड पावर एम्पलीफायर है, ठीक है, क्योंकि हम एंटीना की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उसमें कुछ मोटर्स लगी होंगी, कुछ गियर्स मैकेनिज्म लगा हुआ होगा, उस मोटर्स और गियर मैकेनिज्म को ये आगे कंट्रोलर यहां से मूव करेगा। यहां पर जो हमारे पास सिग्नल आता है, दिस इज योर एक्चुएटर सिग्नल, ठीक है, ये एंगुलर आउटपुट है आपके पास, जो आपको डिजायर्ड एंगल चाहिए, जो आपके एक्चुअली वहां पर एंगल होगा। वहां पे हम एक सेंसर लगा सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पे एक पोटेंशियोमीटर यूज किया हुआ, उस पोटेंशियोमीटर से हिसाब से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है वो यहां पर रेफरेंस पे आ रही है, रेफरेंस से सब्ट्रैक्ट हो रही है, एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग सम एरर सिग्नल हियर। और उस एरर के बेस के ऊपर एंगल पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव है, एरर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस हिसाब से उसको जो मोटर है उसको लेफ्ट या राइट जिस तरफ भी रोटेट है। सो दिस इज फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि हमें दिखा रही है कि हमारा फिजिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक। नाउ दिस इज स्कीमेटिक, इसकी हम बनाते हैं। स्कीमेटिक के अंदर हमने यहां पे डिफाइन किया है कि ये हमारे पास एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ये शुरू में जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ, जिससे हमारे पास एंगल डिटरमिन कर रहे हैं कि हमें कौन सा एंगल रखना है। और ये मोटर है आपकी, ये सिंपल डीसी मोटर आपकी जो दी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये आपका फिजिकल सिस्टम जो है उसका अपना इनर्शिया है, ठीक है, इनर्शिया है, उसके अंदर कोई डैम्पिंग है, ठीक है। और ये पूरा एक गियर सिस्टम लगा हुआ है, जो कि आपकी गियर्स का नॉर्मली फंक्शन क्या होता है कि आपकी पावर ट्रांसफर कर रहा होता है, स्पीड पावर जो है उसकी रेशियो को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली यहां पर इसका सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि इसकी सेंस कर रहा है कि इस वक्त करंट पोजीशन क्या है एंटीना की। उसको मेजर करने के बाद यहां पे एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जो पीछे हमने देखा था ये चीज, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर ये पूरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है, जो कि उस सिग्नल को मेजर करके उसका डिफरेंस निकाल के आगे डीसी मोटर को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है कि वो कितना मूव करेगा, ठीक है भाई। नाउ स्टेप फोर में आपके पास आता है इसकी, सॉरी ये रिपीट होगी थोड़ी सी, कह रहा स्टेप फोर में आपके पास आता है इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए, ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग से मुराद, तो मैंने जैसे पहले बताया आपको, इक्वेशंस लिखनी है हमने, ठीक। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, हमारे पास केवीएल केसीएल लिख सकते हैं, हमारे पास कोई मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए हम न्यूटन लॉज की फोर्सेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। सो ये तो है द सम ऑफ मोमेंट्स ऑन अ बॉडी जीरो, दिस मॉडल आपका क्या बता रहा होता है किसी भी डायनेमिक सिस्टम का,
आपकी जो इनपुट दे रहे हैं और जो आउटपुट आपके सिस्टम की आ रही है उनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। वो हमें कहां से पता चल रहा होता है, हमारे मैथमेटिकल मॉडल से, ठीक है। और मैथमेटिकल मॉडल आपकी इक्वेशंस होती है, ठीक है। और डायनेमिक सिस्टम होगा तो देयर विल बी द इक्वेशंस विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास आते हैं, ठीक है। ये दिस इज समहाउ द रिडक्शन टू द ब्लॉक डायग्राम, कि आप अपनी ब्लॉक डायग्राम्स को रिड्यूस करें। एनालाइज एंड डिजाइन से क्या होता है, इनपुट सिग्नल इज द डिजायर्ड पोजिशन ऑफ द सेवरल कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनपुट फंक्शंस आर यूज फॉर टेस्ट पर्पजेस। अब क्योंकि हमारे पास जिस वक्त एक मैथमेटिकल मॉडल आ जाता है, हमारे पास एक सिस्टम डिजाइन हो जाता है, उस सिस्टम डिजाइनिंग से हमारे पास क्या मुराद है कि हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम क्रिएट हो गया। अब उस सिस्टम को हम डिफरेंट इनपुट्स देंगे, जस्ट लाइक ये आगे नहीं नजर आ रहे कुछ क्लियरली, अच्छा हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स जो आती हैं, एक तो जैसे कि आपने देखी होगी जो आप यूज भी करते रहे हैं, दैट इज इंपल्स, ठीक है। इंपल्स क्या चीज होती है कि आपके पास एट टाइम टी जीरो यू हैव आपका जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, लेकिन अगर टाइम जीरो के ऊपर आप विद इन नो टाइम अगर इंपल्स प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, ठीक है, तब वो आपका मैग्नीट्यूड बना जाता है। सो दिस इज योर इंपल्स। अब इंपल्स आप किस लिए यूज करते हैं, सिग्नल सिस्टम में आप पढ़ते रहे, ठीक है। ये इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मॉडलिंग, ठीक है, ऐसे ही। इसके अलावा जो आपके पास इनपुट आती है दैट इज स्टेप इनपुट, ठीक है। अब स्टेप इनपुट क्या चीज है, एक बाउंडेड इनपुट की फॉर्म है, ठीक है। इफ इट इज वन मैग्नीट्यूड वन है तो इसकी इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज यूनिट स्टेप, ठीक है। सो ये आपके पास यूनिट स्टेप आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब ये हमारा किस लिए यूज होता है, ट्रांजिएंट्स और ट्रांजिएंट्स और स्टेडी स्टेट एरर के लिए, ठीक है ना। हम अभी ये डिस्कस नहीं करें कि हम डिफरेंट इनपुट्स जो हमारे पास यूज हो रहे हैं, ठीक है, उन डिफरेंट इनपुट्स से हम क्या क्या काम ले सकते हैं, हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं सिस्टम। इसके अलावा जो हमारे पास एक और इनपुट है दैट इज रैम। रैम कैसी होती है, स्टेट विद टाइम इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, ग्रेजुअली। सो ये हमें क्या दे रही होती है, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इनपुट है दैट इज पैराबोला, ठीक है। पैराबोला आपके पास कैसी इनपुट है, ये, ठीक है, और ये भी हमें क्या दे रही होती है, स्टेडी स्टेट एरर। इसके अलावा हमारे पास एक और होती है साइनोसाइड, जिसको हम यूज करते हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस मॉडलिंग के लिए, और स्टडी स्टेट स्टेप में सर ट्रांजिएंट एरर कैसे होता है। स्टेप में ट्रांजिएंट एरर इस तरीके से होता है ना कि फर्ज करें ये आपकी इनपुट है, ठीक है, ये जो यहां पे जो स्टेप बनी हुई है, ठीक है,
अब अगर इसको मैं इनपुट देता हूं ना तो आपके सिस्टम का आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब जैसे पहले मैंने डिफाइन किया कि ये जो पोर्शन है इसका, दिस इज योर ट्रांजिएंट्स, ठीक है, और दिस इज योर स्टेडी स्टेट। अब जैसे एक रैंप है या पैराबोला है, इसको भी आउटपुट देंगे तो ये कुछ इस तरह की आउटपुट जनरेट करेगा, लेकिन इसके अंदर आप ट्रांजिएंट्स नहीं देख सकते इसके एक्यूरेटली, ठीक है। आप इसको स्टेडी स्टेट, इसी तरीके से पैराबोला क्या, इसकी भी आउटपुट किसी सिस्टम को देंगे तो कुछ ऐसे हो सकती है, लेकिन ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इट इज नॉट टेलिंग यू द एक्चुअल ट्रांजिएंट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक है, बात क्लियर हो बात। सो दैट्स व्हाई यहां पर हमें जस्ट लाइक स्टेप है, इसके अंदर हमें ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दोनों मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम जब भी एनालिसिस कर रहे होते हैं सिस्टम का तो हम स्टेप इनपुट यूज करते हैं क्योंकि हमें दोनों चीजें नजर आ रही थी, ठीक। नाउ व्हाई कंट्रोल सिस्टम्स फॉर पावर इंजीनियर्स। नाउ जैसे कि थोड़ा सा है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज नॉट फिजिकली रिलेटेड टू सम पावर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर और सम इंजीनियर्स। दिस इज समथिंग विच एग्जिस्ट एवरीवेयर इन एवरी इंजीनियरिंग, आपको कंट्रोल सिस्टम नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनती हैं तो इन जापान उसमें नीचे पूरा एक कंट्रोल सिस्टम बना हुआ, डैम्पर्स लगे हुए और बिल्डिंग फिजिकली अच्छी खासी इन सिस्मिक एक्टिविटी मूव कर सकती है। बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं जैसे स्काई स्क्रैपर्स जिन्हें हम कहते हैं, उनमें अक्सर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े गेंद सेंटर में एक लटकाया हुआ होता है, बिल्कुल टॉप के ऊपर बड़ा सजाया हुआ होता है। हम लेमैन के लिए तो बड़ा खूबसूरती के लिए बड़ा बड़ी जबरदस्त चीज बना के लगाई है, लेकिन असल में उसको हम कहते हैं ट्यून मास डैम्पर होता है। वो ट्यून मास डैम्पर का ये काम होता है कि अगर सिस्मिक एक्टिविटी होती है वो बिल्डिंग का बैलेंस बरकरार रखता है, ठीक। सो इट एग्जिस्ट एवरीवेयर ना। सो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द स्टडी डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम्स। इंजीनियरिंग सिस्टम्स आर फिजिकल सिस्टम्स विच कुड बी मॉडल्ड मैथमेटिकली। मैनी इंजीनियरिंग और फिजिकल सिस्टम्स आर कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, ऑटो पायलट है, रोबोट्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। सो दिस वाज एक्चुअली योर फर्स्ट लेक्चर एंड दिस वाज ऑल अबाउट। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, आई मे स्टॉप रिकॉर्डिंग।